दोस्तों आज के हम इस टॉपिक में बात करने वाले हैं प्री फॉर्म एंट्री के बाद अगर आप यूटीआई ऑनलाइन या तो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, पीएसए ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो आपको ये पता होता है कि प्री फॉर्म एंट्री के बाद आपको मेन फॉर्म एंट्री भरना होता है। तो वो कैसे उसकी डिटेल फिलअप की जाती है, क्या उसमें डालना होता है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप यूटीआई का ऑफलाइन या तो ऑनलाइन दोनों सॉफ्टवेयर में से कोई भी यूज़ करते हैं, वहाँ से पैन कार्ड बनाते तो आपके लिए ये हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है बेफिक्र आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे नॉलेज वीडियो हम बनाते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल माई नॉलेज शेयर को सब्सक्राइब करके भी रख दीजिएगा। बाजू में जो दिखाई दे रहा है उसमें ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपके और हमारे यूट्यूब चैनल माई नॉलेज शेयर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए एक नए नॉलेज के साथ कुछ नया सीखते हैं। आज पे आ जाएंगे तो यहाँ आपको फॉर्म 49A सर्विस है उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ आपको एक आ जाएगा मेन फॉर्म एंट्री, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे जिस बंदे का आपने प्री फॉर्म एंट्री किया होगा वो सभी डिटेल आ जाएगा। तो हमने लास्ट देखा था ये हितेश वाला केस, तो कूपन नंबर पे हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे एक न्यू ओपन के अंदर मेन फॉर्म एंट्री ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सभी डिटेल जो हमने प्री फॉर्म एंट्री में डाली है वो सभी डिटेल आ जाएगी। आप देख सकते हैं आधार मैच डेमोग्राफिक डिटेल्स, यानी कि आधार के साथ जो डिटेल है वही आपको यहाँ पर सब डालना है। तो एरिया कोड डालना है, एओ टाइप डालना है, रेंज कोड डालना है, एओ नंबर डालना है। ये आपको नहीं पता है तो इसका भी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं बाजू में से। और इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ जाकर आप देख सकेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आता है फुल नेम, तो यहाँ सेकंड नंबर पे आपको नेम ऑन कार्ड आ जाएगा। जो भी आपको नाम रखना है, सरनेम पहले रखना है, लास्ट में रखना है, आपके हिसाब से आधार कार्ड बेस करना है। उसके बाद फोन नंबर पे मेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। सिक्स नंबर में आपको फादर नेम डालना है तो नो पे क्लिक करना है, फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको एक ही यहाँ पर फिलअप करना है सेवन नंबर, उसमें आपको रेसिडेंट एड्रेस फिलअप करना है। अगर आपके आधार कार्ड में आपका होम का एड्रेस है, यानी कि आपका फ्लैट डोर ब्लॉक नंबर है तो डालना है, नहीं है तो आप जीरो भी डाल सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ प्रीमाइसिस, यहाँ आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही एड्रेस डालना है। पिन कोड जो भी आधार कार्ड में है वही डालना है, अदरवाइज यहाँ से डेटा मिसमैच हो जाएगा। उसके बाद ऑफिस एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं तो उसका जो भी आधार कार्ड बेस प्रूफ है तो ही आप मंगवा सकते हैं, तो यहाँ पर आता ऑफिस एड्रेस नहीं डालना होगा। उसके बाद यहाँ आपने प्री फॉर्म एंट्री में सिलेक्ट किया था एक नंबर पे रेसिडेंट तो वो वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद एरिया एसटीडी कोड का डालना है तो आप डाल सकते हैं और नहीं डालना है तो चल जाएगा। उसके बाद 12 डिजिट जो है उसमें आपको कुछ नहीं डालना है। उसके बाद आपको सोर्स ऑफ इनकम डालना है, आपकी इनकम किस से है, तो ज़्यादातर नो इनकम सिलेक्ट होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है तो वो आपको क्लिक कर देना है, वो आपको यहाँ से टिक मार्क कर देना है जो भी आप करते हैं। उसके बाद आपको जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससीज है वो नहीं बनना है क्योंकि वो उन बंदों के लिए है जो कि 17 साल के नीचे बंदे हैं उनके लिए है, वो आपको नहीं फिलअप करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट सभी आधार आ जाएगा। यहाँ आपको हिम सेल्फ और हर सेल्फ सिलेक्ट करना है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे नाम आ जाएगा। उसके बाद जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है लोकेशन, यानी कि आपने कहाँ से आप जो जहाँ से पैन कार्ड बना रहे वो डालना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है, तो ये सभी डिटेल फिलअप करके अभी मैं आपको सबमिट करके बताता हूँ आपके सामने क्या आता है। तो दोस्तों सभी डिटेल यहाँ पे हमने डाल दी है, तो अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं और लास्ट में सबमिट है वो सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे सबमिट करेंगे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन वैलिडेट सक्सेसफुली, तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गया है। आप देख सकते हैं हम रिटर्न जो होम पेज होता है वहाँ आ जाएंगे पीएसए ऑनलाइन के अंदर, तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है फॉर और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नाम वो सब आ जाएगा, कूपन नंबर है उसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद कॉपी कर देना है, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ फिर से सर्विसेज पे आ जाना है और यहाँ जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है रीजनरेट पेन एप्लीकेशन उसे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, वहाँ जाके आपको ये पेस्ट कर देना है जो कूपन नंबर है, उसके बाद सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे जो फॉर्म होता है आपके सामने आ जाएगा, उसको आप यहाँ से
ये जो आपको दिखाई दे रहा है उससे आप यहाँ पे प्रिंट करके फॉर्म दोनों पेज लेके आप इसका डॉक्यूमेंट है जैसे कि आपका आधार कार्ड है, दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर लगा के आपको अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना है। तो किसी और वीडियो में हम देखेंगे डॉक्यूमेंट कौन से और कैसे अपलोड करना है। फिलहाल इस वीडियो में हमने सीखा है कि मेन फॉर्म एंट्री कैसे भरा जाता है। अगर दोस्तों इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका काम करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको सभी जानकारी उसमें मिल जाएगी, कूपन प्राइस, आईडी का क्या चार्ज रहेगा, कैसे काम करना है, सभी वीडियो ट्यूटोरियल सभी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं। अगर आप जो PSA ऑनलाइन के UTI में काम करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।